बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, सुशोभायमान, सुशोभित पिया जी, धनी जी, श्री राज जी, अक्षरातीत के कोमल नूरी सुगंधित और चेतन चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, आज से फिर श्री बीतक साहब को कंटिन्यू करेंगे। आज 59 दिन है श्री बीतक साहब का, 59वां दिन, 59th डे। माया मिने बैठ के लाहा लेने अब, धाम में जागे पीछे ए ना होवे कब। ये जो सेवा का लाहा है ना सुंदर साथ जी, ये माया में बैठकर ही लिया जा सकता है। धाम में जागने के बाद ये सेवा का लाहा नहीं ले पाएंगे। बहुत सारे सुंदर साथ बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं करके वो लाहा लेकर आए हैं। घर आकर भी सुंदर साथ जी उस भावना को, उस भाव को कंटिन्यू रखना है। और बहुत सुंदर श्री मुखवाणी की चर्चाओं में बताया भी गया, बड़ी से बड़ी सेवा, बड़े से बड़े इंजन के साथ छोटे छोटे पुर्जे भी जरूरी होते हैं, स्प्रिंग भी जरूरी होते हैं। तो कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं, हर एक का अपना एक पार्ट होता है, ना किसी को किसी से कंपेयर किया जा सकता है। तो आइए, चाहे छोटा सा स्प्रिंग बनने का मौका मिले, या फिर बड़ी सेवा करने का मौका मिले, चाहे उनके गुण गाने का ही मौका मिले, तो कोई भी लाहा छोड़ना नहीं है, हमने पूरा लाहा लेना है इस माया में बैठकर। प्रणाम जी, आइए चलते हैं सबसे पहले श्री मुखवाणी की ओर, और वो भी हमारी प्यारी सखी प्रफुल्ला बेन के मुखारविंद से। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। बोलो जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। चांचीरा साथ की जब मोतियों में पारोये सात जी, चीनों से चीन सुमेला आइए मगजमाइए, तो बड़े सात जी देव मारा कर की आयते जो दिए खोले के द्वार रे सात जी, तब सिफत खासा गिरोह की लिखी विद बेसुमार रे सात जी। चंजीरा साफ की जब मोतियों में पारो ये सात जी, भोला माया की इशारते खोल दया खा समरे सात जी, महामत पर महर महबूबे करी इसे के इलाम रे सात जी। चंजीरा साफा की जब मोतियों में पारो ये सात जी, ब्रह्मा सृष्ट वेद पुराण में कही सो ब्रह्म समान रे सात जी, कई वेद के बुजरा किया देखो साहे दे कुरान रे सात जी। चांजी राम साफ की
मोतियों में पारो ये साथ जी, कहे छता मगज मुसाफ के, जीना सजन जीरा चोर रे साथ जी, सब सिफत खासा गिरो के, समझे एही मारो रे साथ जी, जंजीरा मो साफ की जबा मोतियों में परो ये साथ जी, जीना से जीनस मिला के तबा माइन मगज पाए साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे, तत गुरु मारा आज कीजे, पन्ना तान कीजे, सर्वे सुंदर साथ कीजे। सुंदर साथ जी, उसमें जो भी त्रुटियां हुई हो तो आपने आपके चरण रज सखी जानकर मुझे क्षमा कर देना, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रफुल्ला बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतने सेवा भावों वाली सखी, इतनी प्यारी वाणी, और त्रुटि कहाँ से होगी। सारे गुण ही गुण धनी जी के, और जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए। जब सुंदर साथ जी, ये जो जंजीरें, ये कड़ियां जब मिलती हैं और जब पिरो दी जाती है ना, ब्रह्मवाणी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, बिल्कुल कंटिन्यूअस उन्होंने लिखी भी नहीं, कोई कड़ी कहाँ, कोई कहीं कड़ी कहाँ छुपाई है। जैसे ट्रेजर हंट करते हैं ना बच्चे, ट्रेजर छुपाया होता है कि इसका हिंट यहाँ मिलेगा, इसका हिंट यहाँ, और जब वो मिलता है तो छोटे छोटे बच्चों को देखिए कि खजाने की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम कितने उल्लसित होते हैं, कितने उत्साहित होते। ऐसी ही श्री मुखवाणी है, हम ब्रह्म मुनियों के लिए खजाना छुपा छुपा के रखा है पिया जी ने, हिंट देते जा रहे हैं, कभी किरणतन में, कभी प्रकाश हिंदुस्तानी में, कभी खिलवत में, तो कभी परिक्रमा में। अति सुंदर प्रफुल्ला बेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, और आपकी सेवाओं को भी राम बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी बीतक साहिब। आई होप सभी सुंदर साथ जी को याद होगा कि हम किन प्रसंग पे थे। सुंदर साथ जी, हम थे जब मिहिरराज जी क्या इकट्ठा कर रहे थे सुंदर साथ जी के लिए, वो बहुत, और सुंदर साथ जी कैमरा ऑन करने वाले सुंदर साथ जी अपनी सेवा पे वापस आ चुके हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि जिन्होंने कार्यभार संभाला था वो छोड़कर चले जाएंगे। अभी तो इंक्रीमेंट होनी चाहिए थी ना इसमें, तो जो सुंदर साथ कंफर्टेबल हो केवल वही अपना कैमरा जरूर ऑन करें, पर किसी को वो नहीं देना है जबरदस्ती, ऐसा नहीं है, यदि आपका दिल चाहे तो ऑन कीजिएगा। हाँ जी, तो सुंदर साथ के लिए बड़ा सुंदर सेवा का, ये जो लाहा लेने का उनके हृदय में विचार आया है ना, धनी ने डाला है। किसी के हृदय में कोई विचार आ नहीं सकता सुंदर साथ जी जब तक कि धनी ना डाल दें। अब क्या विचार आया उनके हृदय में, सुंदर साथ को चर्चा तो सुना ही रहे हैं, बिहारी जी की चर्चा में फॉर्मेलिटी के लिए सब बैठते हैं, पर फिर एकांत में ले जाकर मिहिरराज जी उनको कितनी सुंदर चर्चा सिखा चर्चा सुनाया करते हैं। कौन सी चर्चा? धनी जी के स्वरूप की चर्चा, बहुत प्यारी प्यारी। सुबह भी वो कितने बजे, 4 बजे, कितनी जल्दी उठ के निवृत्त होकर बिहारी जी के दर्शन करके फिर राज दरबार में जाते हैं, फिर से नौकरी संभाल चुके हैं अपनी। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ की सेवा करने का जो ख्याल दिल में आया है ना। सुंदर साथ जी, एक और बात भी बताती हूँ, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से पता लगा कि ये अभी जो हम लोगों ने चर्चनी की क्लासेस चली थी ना, आप सभी सुंदर साथ उसमें हुआ करते थे, उन्होंने एक सुंदर साथ जी हैं, उन्होंने वो चर्चनी सुनी बैच 2021 से,
और उसके बाद वो उससे उसके बाद से वो जूम से जुड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ को चर्चा सुनकर दिल इतना टूक टूक हो सकता है, वो जूम पे नहीं आते हैं, उन्होंने रिकॉर्डेड सुनी है यूट्यूब के माध्यम से, दिल को इतनी चोट लगी है कि अपना घर छोड़कर श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ में हमेशा के लिए सेवा के लिए आना चाहते हैं, और स्वामी जी के चरणों में आकर उन्होंने आज्ञा मांगी है कि मैं अपना घर परिवार छोड़कर मैं यहाँ हरदम सेवा के लिए तैयार तत्पर यहीं रहना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मेरी जब श्याम अधिकारी भैया ने उनसे बात करवाई तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जिसके लायक भी नहीं है। सुंदर साथ जी, सुनने में भी शर्म आती है उन शब्दों को कि कैसा सुंदर साथ प्यार कर रहे हैं, कैसा कुछ भी नहीं है अंदर सुंदर साथ जी, केवल और केवल। कल भी मैं एक सुंदर साथ जी को बोल रही थी, इस जूम के दरो दीवार भले ही ना हो पर इसका बेस, इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो फाउंडेशन कौन सी है आपको पता है? स्वामी जी की चर्चाएं, स्वामी जी के टीका, ये इनकी फाउंडेशन है इस जूम की। तो उससे स्ट्रॉन्ग यानी ब्रह्मवाणी जो है ना, उसके अर्थ, उसके भावार्थ और जो साहित्य निकलता है श्री प्राणनाथ जी ज्ञानपीठ से, वो इसकी फाउंडेशन है। तो इससे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और क्या होगी? इसकी रूफ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो छत है ना सुंदर साथ जी, जूम की छत कौन सी है? पहले तो मुझे लगता था ना छत है ना बेस है, राजी बोलते धीरे धीरे सब कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है, दरो दीवार खुले हैं, हर कोई प्रवेश करे, प्रेम फैलाए, प्रेम दे, प्रेम का आदान प्रदान करे। पर इसकी जो रूफ है ना सुंदर साह जी, जिसको छत कहते हैं, छत्र छाया कहते हैं, वो मेहर की छत्र छाया, धनी जी की मेहर और हमारे प्यारे सतगुरु स्वामी जी का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा, ये इसकी छत है। तो वो सब सब तरह के तूफानों से वो छत रक्षा भी कर देती है। तो इसी प्रकार का देखिए कैसा लाहा उनको लेना है, किस प्रकार के विचार की मैं जॉब करूंगा, इतना धन कमा लूं, क्योंकि हैं तो वो वजीर के क्या है, पीए हैं सुंदर साह जी, उनके असिस्टेंट हैं वजीर के। तो सारा कार्यभार, उनकी जॉब की तनख्वाह भी अच्छी खासी तब हुआ करती होगी क्योंकि पूरा राज्य का कार्यभार संभालते हैं। तो क्या कहते हैं, अब मैं ये जॉब करूंगा, इतने समय तक करूंगा, सुंदर साथ के लिए खूब धन इकट्ठा हो जाएगा, अच्छा अच्छा खाने पीने का प्रबंध उनके लिए करूंगा। मेन मोटिव क्या है, ये बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी, भंडारा करना इज नॉट द मोटिव। भंडारा शब्द भी नहीं आया हुआ कि वो भंडारा करना चाहते हैं। मेन जो अंदर छुपा हुआ लक्ष्य है ना, वो क्या है कि ये सुंदर साथ मेरे पास ही रहें, इनको लौकिक कार्यों को करने के लिए अपने घर ना जाना पड़े, कमाने के लिए अपने घर ना जाना पड़े, बनाने के लिए अपने घर ना जाना पड़े, वस्त्र भी मैं अरेंज करूं, खाना पीना भी अरेंज कर लूं, किसी इतनी सेवा का ख्याल क्यों? ये तो सामने का हुआ, ये तो कारण, महाकारण उसके अंदर क्या है सुंदर साथ जी? उसके अंदर महाकारण ये है कि मेरे पास ही हर समय रहेंगे तो ब्रह्मवाणी से ये 1 मिनट भी दूर ना हो। तो केवल ऊपर के कारण नहीं करने हैं, खिलाना पिलाना बहुत अच्छी बात, बहुत सेवा करनी है, पर अंदर छुपा हुआ महाकारण क्या होने चाहिए, धनी की बात करनी है सुंदर साथ जी। कोई भी हमारे घर पे आ रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, खूब खूब उनपे न्योछावर हो जाइए, पर बीच में जो महाकारण है उसको ना भूल जाइए। पिया की बात उनसे जरूर करनी है सुंदर साथ से, क्योंकि हमारा असली खजाना तो धनी से रिलेटेड वार्तालाप या इस ब्रह्मवाणी की आपस में चर्चा करना, आपस में बातें करना, ये हमारा मुख्य धन, प्रमुख धन है। और सुंदर साह जी, शरीर की सेवा कीजिए, जीव की सेवा कीजिए, पर आत्मा की ये बहुत बड़ी सेवा है, ये है बातुनी सेवा। एक है जाहिरी सेवा, एक है बातुनी सेवा। जैसे कि मेहर सागर भी तीन है, मेहर सागर में भी तीन प्रकार की मेहर आती है ना, जाहिरी में 2 प्रकार की और 1 बातुनी। इसी प्रकार से ये भी 3 प्रकार की है सेवा भी, जाहिरी 2 प्रकार की बिल्कुल मेहर की तरह,
और बातुनी एक प्रकार की। बातुनी में क्या आता है, आत्मा की सेवा, धनी की बात करना, क्या पता किसको कौन सा लवा टूक टूक कर जाए, कौन सा शब्द उसको टूक टूक कर जाए। हमने तो सुंदर सा जी, वो मास्टर प्लानर है, उसको पता होता है कि कौन सा शब्द किस आत्मा के रूह को, उसके दिल को तार तार करने वाला है, ये उसको पता होता है सुंदर सा जी। बोलते हुए या हमें लगता है, जैसे कि डॉक्टर प्रवीण की एक एग्जाम्पल मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि एक बैलगाड़ी चल रही है, एक कुत्ता उसकी छाया में चलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसको लगने लगता है कि ये सारा बोझ का छाया उसके ऊपर आ रही है कि मैं इसकी छाया में चल लूं, और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद उसको लगने लगता है जैसे ये बैलगाड़ी का पूरा बोझ तो मैं ही उठाए हुए हूं, और फिर वो उस मस्ती में चलता है कि ये सारा बोझ ब्रह्मांड का मेरे ही ऊपर है, मेरे बिना तो ये चल ही नहीं सकती। हालांकि उसको पता ही नहीं है कि ये किसकी छत्र छाया में तो वो खुद चल रहा है। तो इसलिए ये कभी नहीं भूलना कि कुछ नहीं कर सकते हम, केवल और केवल हम तो उसकी छत्र छाया में खुद चलने के भी लायक नहीं है सुंदर साहब जी। हमसे तो वो जानवर भी अच्छा है कि खुद छाया में तो आ गया था कम से कम बैलगाड़ी की, हम तो खुद मेहर की छत्र छाया में आने लायक भी नहीं है, वो भी धनी को पकड़ कर लेके आना पड़ता है। तो कौन सा आप सुंदर साहब जी कर रहे हैं, कहते इतनी सुंदर वो चर्चा सुनाते हैं, अब क्या क्या कर रहे हैं, काम व्यवहार करके और उनका दर्शन करने जाते हैं। तहां चितवनी धाम की करत है सब कोई, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। सुंदर साहब जी क्या करते हैं, सुंदर साहब जी परम धाम की चितवनी करते हैं। मिहिरराज जी सारे सुंदर साथ को युगल स्वरूप की शोभा सुनाते हैं, श्रृंगार के बारे में बताते हैं, क्योंकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से सारी चर्चाएं उन्होंने ना केवल सुननी रखी, दिल में बसा रखी हैं, और चर्चा की चर्चा भी तो वो सुंदर साथ जी को पहले से सुनाया करते थे, और अब तो अंदर आके चुपके से आवेश स्वरूप प्रत्यक्ष लीला करने के लिए बैठ भी चुके हैं। बस एक कौन सी गांठ बची है, सुंदर साहब जी बैठ तो चुके हैं, वो कसौटी की जो गांठ अभी भी बची है, हल्की हो चुकी है बहुत, पर वो अभी बची है। बस वो होते ही बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष आकर खड़े होने वाले हैं, आहार इस्लाम करके रू को पहुंचावे खुराक, इस बेर इस्लाम की बुजरक जानी खाक। इस्लाम को कहीं, सुंदर साहब जी इस्लाम धर्म होता क्या है, शाश्वत शांति होती है, इसका आहार करना है। चितवनी जो है इसका आहार है, अंदर भी शाश्वत शांति को यदि प्राप्त करना है ना, कि मन कहीं नहीं जा रहा, जिस दिन इस मन की, दिल की नहीं, जिस दिन इस मन की दौड़ समाप्त हो गई, उस दिन ये आहार शांति का, शोभा का, इसका आहार जो है ना, बस मन की दौड़ खत्म हो जानी चाहिए सुंदर साहब जी। रू को पहुंचावे खुराक, तब रू की खुराक शुरू होती है, जब इस जीव का मन दौड़ दौड़ कर, दौड़ दौड़ कर, फिर ब्रह्म वाणी को पाकर जब उसकी दौड़ माया की ओर थमने लगती है, उसकी गति कम होने लगती है धीरे धीरे, ये रामत उल्टी चलती है सुंदर साहब जी। रास में रामत क्या चलती है, पहले खड़े होना है, फिर धीरे धीरे चलना है, फिर थोड़ा और तेज चलना है, साथ साथ आवाज भी सुंदर साहब जी, म्यूजिक भी बढ़ता जाएगा, गाने की गति भी बढ़ती जाती है साथ साथ में उस रामत में, फिर तेज भागना है। ये रामत है ना, ये जीव की ये उल्टी चलने लगती है, ये मन की जो रामत है ना, ये राजी उसको उल्टा चलाने लगते हैं। पहले भाग रहा है, जोर जोर से भाग रहा है, एवरी डे एवरी क्षण एवरी मोमेंट भाग रहा है माया की तरफ, विचार भी जाते हैं तो जीव के पुराने संस्कार या अभी अभी उभरे संस्कार या इस जन्म के संस्कार इतने हैं कि चितवन में बैठते ही भागना शुरू कर देता है,
कभी इधर कभी उधर, मन टिकने ही नहीं देता। पर राजी की ये जो ब्रह्मवाणी से जब हम जुड़ना शुरू करते हैं, उसको रोज रोज पढ़ मंथन करना शुरू करते हैं, एकमात्र साधन है सुंदर साज जी, मन की दौड़ मन की गति को जो थमने का थामने का एकमात्र साधन है कि ब्रह्मवाणी पिया के वांगमय स्वरूप से जुड़ा जाए। चितवन में बैठेंगे पर ये ब्रह्मवाणी, वो साथ साथ बैठना है सुंदर साहब जी, पर मन को साधने का जो कार्य है ये ब्रह्मवाणी बहुत प्रेम से कर देगी। क्या होगा, मन की दौड़ धीरे धीरे गति थमने लग जाती, कम होते 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 आवाजें भी सुंदर साहब जी उसकी गति भी थम जाती है, और जब थक हार कर पूरा बैठ जाता है उसकी दौड़ समाप्त हो जाती है, तब आत्मा की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि इसको बिठाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर अंदर शांत हो जाएगा, माया का कोई विचार नहीं आ रहा। अब धनी के विचार आने शुरू होते हैं, बोलते हैं माया से टूटा हुआ दिल, टूट गया इतना चल ही नहीं पाएगा, कहाँ गति से चलेगा, टूट के बिखर जाता है ना तो बैठ जाता है फिर, और उसके लिए ये दुख जरूरी होते हैं। उसके पहले टूट कर बिखरा सकते हैं सुख में तो कर लीजिए सुंदर साथी। इसीलिए कहा है दुख से पियो जी मिलसी सुखे ना मिलिया कोई, क्योंकि सुख में इसकी गति बड़ी तेज होती है। हालांकि दुख में भी दो रास्ते होते हैं, या तो गति को गलत रास्ते पर मोड़कर तेजी रखा जाए, और या फिर माया से टूट फूट जाए तो चुपचाप बैठ जाए, पता नहीं क्या मिलने वाला है। पहले दुखों में विवेक दृष्टि जागृत नहीं थी सुंदर साहब जी, तो तब भी गलत रास्ते पे ही जाता था, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। पर नहीं, जैसे ही विवेक दृष्टि जागृत कैसे हो सकती है, केवल ब्रह्मवाणी से सुंदर साहब जी। इतनी मीठी इतनी प्यारी ये ब्रह्मवाणी, मिश्री जलेबी क्या कहें, कौन सी मिठास कहें सुंदर साहब जी, वो मिठास यहाँ होती नहीं। जो आत्मा को अंदर इतना सा अंश भी इसका मिल जाता है ना, तो वो हरकत करने लग जाती है सुंदर साहब जी, इतनी मीठी ये ब्रह्मवाणी है। कहते हैं आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक, सुंदर साथ अपनी आत्मा को निज आनंद का जो खुराक है ना, निज आनंद की खुराक, अंदर कितना आनंद उनके पसर जाता है उनकी चर्चा सुनकर, धनी जी के श्रृंगार का वर्णन सुन के, उनके वस्त्रों का आभूषणों का वर्णन सुन के, इस बेर इस्लाम की बुजरक जानी पाक। इस समय भी मिहिरराज जी सब सुंदर साथ को ये आहार देकर पिलाकर सुंदर साथ जी फिर भी क्या सोचते हैं, बुजरक जानी खाक, इंद्रावती सखी है ना, मैं कहां से आएगी, वो तो मैं मार के रास से खड़ी हुई है सुंदर साथ जी, ब्रज से भी मैं मार के ही तो खड़ी थी राजी के सामने, जिसके अंदर मैं खुदी हो वो धनी के सामने नजरों से नजरें मिला के खड़ा ही नहीं हो सकता, तो उनसे बात क्या करेगा। जिस प्रकार हम लज्जित खड़े हैं सुंदर साहब जी, वो इंद्रावती हैं, वो तामसी सखियां हैं, वो परमहंस ही वो तामसी सखियों में रहे हैं सुंदर साहब जी, जो उनके साथ डट कर खड़े रहे होंगे कि नहीं धनी दो उठले वचन और जवाब देते हैं, उनसे बात करते, क्योंकि खड़े हुए ईमान पर पक्के, वहीं से ये रोल्स डिसाइड हुए। और आज फिर इंद्रावती सखी स्वयं को सुंदर साहब जी धूल के समान खाक जानकर अपना क्या समझते, बुजरक समझते हैं अपने आप को, खाक मानकर बुजरकी सुंदर साहब जी। ये तो नया ही कॉन्सेप्ट है, ये तो कहीं और नहीं मिलता, किसी धर्म में नहीं मिलता, स्वयं को खाक जानकर अपने को अच्छा मानना, उसमें खुशी प्राप्त करना कि मैं तो चरण धूली थी हूं रहूंगी, ऐसी आत्मा के चरणों में, ऐसी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। युगल स्वरूप की चितवनी से ही सुंदर साथ जी उस आनंद को, उस प्रेम को, उस शांति को, उस चेतनता के एहसास को अपने अंदर पाया जा सकता है। हमारी आत्मा का आहार भी यही है, तो अभी तक तो
आई डोंट होप नाउ, क्योंकि होप्स बहुत बढ़ चुकी हैं सुंदर साथ जी आपसे, अब आशाएं नहीं होती हैं, अब विश्वास होता है। एक होप होती है, एक आई बिलीव, आई ट्रस्ट, मुझे पक्का पता है कि ये हो रहा है। तो अभी तक तो सारे सुंदर साथ जरूर जरूर ही चितवन में बैठना शुरू हो चुके हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अपनी आत्मा के आहार से दूर रहते हुए कोई भी सुंदर साथ अपनी आत्मा को भूखा नहीं रखना चाहता यहाँ, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि नुकसान किसी और का नहीं हो रहा, नुकसान मेरा अपना हो रहा है। इधर उधर समय व्यर्थ करने से भी नुकसान किसी का नहीं हो रहा, नुकसान हमारा अपना हो रहा है। सुंदर साथ जी, जागने का ये जो काम है, ये किसकी प्रेरणा से हो रहा है? युगल स्वरूप की प्रेरणा के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। जो जो मिहिर राज जी कर रहे हैं, जो जो शोभा इंद्रावती जी को मिल रही है, अंदर करने वाला कौन है? केवल धनी और केवल धनी युगल स्वरूप की प्रेरणा। सुंदर साथ जी, राज जी और श्यामा जी का दूसरा जामा है ये श्यामा जी का। तो जागनी का कार्य तो उनकी प्रेरणा से ही हो सकता है। और एक जागृत, ये बहुत सुंदर स्वामी जी ने अपने टीका में भी लिखा है, जो जागृत आत्मा होती है ना सुंदर साथ जी, हम कहते हैं ना मैं खुदी को मारना है, ऐसे करना है, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जागृति पूर्ण नहीं हुई है अभी तक। जो जागृत आत्मा होती है केवल वही स्वयं को धूल के समान मान सकती है, क्योंकि वो आत्म भाव में प्राप्त हो चुकी। जीव वैसे ही धूल हो चुका है उसके लिए। जीव पड़ोसी पड़ोसी सा लगता है सुंदर साहब जी, ऐसे लगता है नेबर है, जैसे मैं नहीं हूं, ये लगा हुआ है मेरे साथ बस। तो जिसके लिए जीव है ही धूल, मेरा है ही नहीं वो, तो उसके उसके अंदर जीव के रिलेटेड मैं पना आ भी कैसे सकता है? और आत्मा रिलेटेड मैं पना जब आ गया कि मैं आत्म हूं, तो वो मैं है किसकी? आत्मा की मैं तो धनी की मैं ही होती है, धनी के ही मैं परात्म के अंदर, क्योंकि उन्हीं का हृदय उनके अंदर कार्य करता है। परात्म की है मैं आत्मा के अंदर, बस आत्मा उस मैं में आ नहीं पा रही है। आत्मा जीव के मैं भाव को प्राप्त हो रही है, इसलिए लगता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूं, मेरे बिना कैसे चलेगा, मैं ही तो सब कुछ चला रही हूं, मैं तो सब कुछ चला रहा हूं। पर जिस दिन आत्मा की मैं अंदर आ गई, किस दिन? जब आत्मा पूर्ण रूप से जागृति, कहते किसको है, आत्म जागनी, आत्म जागृति हमारा परम लक्ष्य है। पर वो परम लक्ष्य का भी पूरा पता है सुंदर साथ जी हमें, पूर्ण जागृति तब तक नहीं कही जा सकती जब तक उसके दर्शन ना हो जाए। वो आत्मा, और कर चुके हैं हमारे मिहिर राज जी, उनकी झलक पा चुके हैं पहले ही। आपको याद होगा जब आहार के बिना अंग सूख रहे थे उनके, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हो गए थे, उन्होंने झलक भी पा ली थी और अपने परात्म को भी वो दर्शन कर चुके हैं। श्री बीतक साहब की चौपाई बहुत स्पष्ट रूप से इनका वर्णन कर चुकी हैं। अब जो रहो साथ चरने, और सुंदर साथ जी मैं एक बात और जरूर आपको बताना चाहूंगी, मुझे कुछ भी नहीं आता है, कोई चौपाई भी याद नहीं है, सारी चौपाइयां मैं पढ़कर बोलती हूँ, मुझे याद रहती भी नहीं है, और मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ कुछ चीजें मैं देखकर ही बोल रही होती हूँ, शायद यहाँ पे पता नहीं लगता है। तो इसलिए कभी ऐसा मत सोचिएगा कि आपको मैं कुछ बताने के लायक हूँ। केवल और केवल राज जी की मेहर और स्वामी जी का ये आशीर्वाद और उनका जो टीका है ना सुंदर साथ जी, बस ये धन है। और कोई एक प्रेम का धन, प्रेम का जो धनी होता है ना सुंदर साथ जी, उसकी एंट्री बड़ी जल्दी हो जाती है। बस ये धन हम सब ने कमाना है, यहाँ का धन किसी काम नहीं आना, पेट और उसके लिए जरूरी है, यहाँ माया के कार्यों के लिए जितना जरूरी है उतना ही संग्रह कीजिए, पर प्रेम का धनी बड़ी जल्दी एंट्री पा लेता है। धनी के हृदय में भी, उनके हृदय में हम हैं, एंट्री पाने का क्या मतलब है, उनको देख लेता है, उनके हृदय को देख लेता है, बस उसके धनी हम बनते जाएं और किसी किसी भी तन को और
किसी तन को तो शोभा देनी ही नहीं है, उसके अंदर बैठे पिया को पहचान लीजिए, और वो तन भी कम से कम इधर तो बिल्कुल भी नहीं है सुंदर साथ जी। मूल को पकड़िए, जिन्होंने वाणी उतारी आवेशित स्वरूप, महामति जी जिन्होंने अर्थ किए, जिन्होंने भावार्थ किए, उनके चरणों में प्रणाम कीजिएगा बस। अब जो रहो साथ चरने, होए रहियो तुम रेणु समान, इत जागे को फल क्या है। यहाँ बहुत ध्यान से, यहाँ जागने का फल क्या है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। यहाँ कोई जाग गया तो क्या होगा, वो साथ के चरणों में रहेगा और रेणु के समान होकर रहेगा सुंदर साथ जी, ये पहचान है। तो बड़ा बहुत बार श्रीमुख वाणी में कई बार हम पूछते हैं ना, हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं है, वहां तो नाम है ही नहीं, पर फिर भी पूछते हैं हमारी आत्मा का नाम क्या है, है ना, कई बार दिल में आता है ना। तो कहते बड़े सुंदर लक्षण, बड़ी सुंदर पहचान, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, सारे बताते जा रहे हैं। रेणु समान होकर रहना है, साथ के चरणों में रहना है, तब स्वयं को कुछ जागृत कहा जा सकता है। यहाँ तो बोला पूर्ण जागृत होकर ही ऐसा हो सकता है सुंदर साथ जी। ध्यान देने योग्य बात है, सुंदर साथ को चितवनी कौन कराता था, केवल और केवल मिहिरराज जी चितवनी कराते थे, क्योंकि बिहारी जी ने कभी चितवनी की नहीं थी, इसलिए उनको ज्ञान भी नहीं था। क्यों? क्योंकि धनी जी के हृदय में ऐसा ही आया था कि ये आत्मा अभी ऐसा अभिनय करेगी, इस बार जागनी में पहला रोल। बहुत सारे उस दिन हमने एक नाटिका देखी थी सुंदर साथ जी के द्वारा की गई, सीमा दीदी कितने रोल्स चेंज कर रहे थे, सुनीता भगत दीदी कितने रोल्स चेंज कर रहे थे, अनीता दीदी केवल देवचंद्र जी के रोल में ही थे, याद है ना। इस प्रकार आत्माएं यहाँ रोल्स चेंज कर रही हैं, कहते एक ही नहीं दूंगा, अल्टीमेट रोल जागृति का होगा, पर पहले ये रोल प्ले करोगे तुम लोग, कभी चुन्नी बदल लोगे, कभी श्रृंगार बदल लोगे, कभी पटुका बदल लोगे, तो ये रोल्स चेंज किए हैं उन्होंने। तो कौन सा रोल था सुंदर साथ जी, बिहारी जी के लिए जो रोल उन्होंने डिसाइड किया हुआ था वो यही था रतन बाई की आत्म के लिए, कि तुमने ऐसा ऐसा ही अभिनय करना है। तो उनकी मेहर से, उनके हृदय की इच्छा से बिहारी जी के चरणों में भी प्रणाम, कि उन्होंने ये रोल कितना प्यारा पात्र धनी की मेहर से निभाया है और हमें सिखाया, हमें सिखाया डूज एंड डोंट्स। बहुत सुंदर बच्चों को सिखाया जाता है, डूज का तो पता ही होना चाहिए कि क्या क्या करना है, डोंट्स की भी लिस्ट बनाई जाती है क्या क्या नहीं करना है। तो इधर मिहिर राज जी के डूज और इधर बिहारी जी के डोंट्स भी ध्यान में रखने के लिए बिहारी जी ने ये रोल प्ले किया। पर अब हमें डोंट्स वाले में नहीं आना है, क्योंकि अब ब्रह्मवाणी आ चुकी है, राज जी ने पूरा ज्ञान हमें दे दिया, अब असली कसौटी और है, क्योंकि जैसे जैसे खेल बढ़ता जा रहा है ना, एक्चुअली में राज्य एग्जाम शायद इजी करते जा रहे हैं। पर सुंदर साथ जी, जो जो सखियां पीछे रह गई, तामसियां तो फट से छोड़ के चली गई, उसके बाद राजसियां थोड़ा और डिफिकल्ट हुआ, स्वातसियों को सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो जितनी देर होती जाती है ना, उतनी कसौटी सेम थी तीनों के सामने, कोई फर्क नहीं था, सेम टू सेम प्रॉब्लम्स थी। पर उस समय जितना लेट होता जाता है ना, उतनी वो भारी लगने लग जाती है, कसौटियां वैसी की वैसी पर इतनी भारी लगने लग जाती हैं वो। तो अब हमें सुंदर साथ जी, कहीं ऐसा ना हो कि डूज और डोंट्स में हमारा नाम अब आगे डोंट्स में रखा जाए, कि जो इसने किया वो किसी ने नहीं करना है, क्योंकि अब वाणी उतर चुकी है, अब गुनाह ज्यादा लगेगा। बिहारी जी के समय पर वाणी का प्रचार प्रसार अभी इतना नहीं हुआ था, उनके पास जरूर आई थी ये वाणी, कलश की वाणी पढ़कर उन्होंने कहा भी था कि ये कलश नहीं, ये क्लेश है। पर अब वाणी खोल खोल के धनी जी बता रहे हैं, सारे मारिफत के भेद भी खोल खोल के समझा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी रहनी की एग्जाम्पल डोंट्स में नहीं आनी चाहिए, कि जैसा ये करती है, जैसा ये करता है, वैसा नहीं करना है, डू को हमने फॉलो करना है सुंदर साथ जी। बिहारी जी अगर चितवन करते, क्योंकि राज जी की इच्छा नहीं है,
अभी उनको इस तन में जागृति नहीं मिलनी है, माया में वो कभी फंस ही नहीं सकते थे, और मिहिर राज जी पर तो अत्याचार करने का विचार भी उनके हृदय में नहीं आ सकता। उनकी चर्चा का मुख्य आधार क्या था? राज्य के स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन जो इधर उधर आते जाते उन्होंने देवचंद्र जी के पिताजी के मुख से थोड़ा बहुत सुना हुआ था, उसके बाद किससे कहानियां जोड़कर बताया तो करते थे, पर सुंदर साथ को रस नहीं आया करता था, क्योंकि सुंदर साथ जी जो धाम का होता है ना, उसको किसी बात में रस नहीं आता। किसमें रस आता है? जब अपने पिया की कोई ऐसी बात की जाए, जब ब्रह्मवाणी की वो रस, वो जूस सुंदर साथ जी होता है ना, आनंद रूपी जूस उसको मिले ना, तब सुंदर साथ को आनंद आता है। वो नहीं वो पी के खुश होते कड़वे कसैली चीजें। अब मैं साथ इस्लाम का करूं सबे एक ठौर, कैसे विचार आ रहे हैं उनके अंदर, हमने इन विचारों से सीखना है कि हमें कैसे विचार आने चाहिए। सुंदर साथ जी, अब मैं साथ इस्लाम का करूं सबे एक ठौर, उच्छव रसोई करके सेवा करूं अति जोर। कैसी सेवा करूं? उत्सव करूं। श्री जी के मन में ये भावना जोर करती गई कि चितवनी द्वारा निजानंद की राह पर चलने वाले सुंदर साथ को एक जगह पर इकट्ठा करूं, खूब खूब धन कमा कर एकत्रित करके उनको करूं क्या सुंदर साथ जी, प्रेम पूर्वक भोजन भी कराऊं और बहुत अधिक भाव से उत्सव करूं, रसोई करूं और उनकी सेवा करूं। सेवा का ये जो भाव है ना सुंदर साथ जी, अगर वो भंडारा करते तो फिर तो बिहारी जी का भी सहयोग देना पड़ता। बीतक के अतिरिक्त बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा वृत्तांत मुक्तावली तथा लीला रस सागर में भी श्री देवचंद्र जी के नाम का भंडारा करने का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि सेवा की बात कही गई है। भंडारे नहीं करना चाहते थे, वो केवल खिलाना पिलाना नहीं चाहते थे। तो सुंदर साथ जी जहां भी श्री मुखवाणी चर्चा का रस प्रवाहित होता हो, भाग भाग कर जाइए। पर लेने क्या जाना है और लेकर क्या आना है, सावधान सावचेत खबरदार हो जाइए। टाइम बिल्कुल नहीं व्यर्थ करना, समय नहीं है सुंदर साथ जी अब हमारे पास। चर्चा लेने गए हैं तो ब्रह्मवाणी की वो बातें ही घर में लेकर आइएगा, आस पास की चीजें नहीं लेकर आनी है हमने यदि मिल रही है। और यदि चर्चा नहीं मिल रही तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है जहां पर ब्रह्मवाणी का रस प्रवाहित होता हो। श्री मिहिर राज जी का सबका सम्मान करना है, पर ये सिखाया है धनी जी ने, सबका सम्मान करना है पर अपना नुकसान नहीं करना सुंदर साथ जी। अब वी कांट अफोर्ड दैट नाउ, क्योंकि हमारे पास इतनी सांसें नहीं बची हैं कि केवल केवल मुंह रखने के लिए हम अपना समय व्यर्थ करते रहे। नो एग्जैक्टली, बिल्कुल एब्सोल्युटली नो फॉर टाइम वेस्टिंग, बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना है। श्री मिहिर राज जी धन संग्रह करके क्या क्या मंगवा रहे थे, पूरा भर रहे थे सुंदर साथ जी, अन्न कपड़े घी खांड सब कुछ मंगवा रहे थे। एक ही उद्देश्य कि सुंदर साथ अपने इन सब को इकट्ठा करने में अपने घरों में कम समय दे और यहाँ पर दिन रात किसमें, चर्चा में, चितवनी में डूबे हैं। तो आज हमें घर रह के भी क्या करना है सुंदर साथ जी, हमें सीखते रहना है इससे। ये एक घटना नहीं है, ये हमें सिखाने के लिए प्रैक्टिकलिटी है सुंदर साथ जी। तो कहते हैं अपनी चर्चा और चितवन में धनी जी के डूबते रहें। आत्म जागृति का जो बेस है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। केवल केवल थोड़ी देर बैठ के बातें कर ली, श्री मुखवाणी संगीत सुन लिया, थोड़े भजन सुन लिए, अंदर कुछ नहीं हुआ ना। अगर चर्चा सुन के भी सुंदर साहब जी, ऐसा नहीं है कि चर्चा सुन ली बस बैठ तो गए चितवनी में, वो भी आडंबर है, वो भी वैसा ही है, वो भी टाइम वेस्ट ही है। अगर मन वहां है ही नहीं, अगर चर्चा सुनने में भी दिल है ही नहीं, तो फिर वो भी एक वही हो गए, आडंबर ही तो हुआ ये। दिल दे के सुनना है और दिल ले लेना है उसका, उसके बाद
कहते तुम दे के सुनो तो सही, तुम दिल दो तो सही, मेरा तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, दिखने लग जाएगा तुमको। बस मैंने तो पहले दिया है, हमसो आगू आए श्री राज, हमसो आगू दिल भी दिया उन्होंने, पहले से दे दिया। कहते कदीम से मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही है, और यहां पर आकर तो ब्रह्मवाणी के रूप में वांग्मय दिल तो मैंने दे ही दिया है। इस ज्ञान में दिल है सुंदर साथ जी उनका, इस दिल की धड़कन सुनाई देती है। ब्रह्मवाणी को खोल के कभी ऐसी बातें उनसे करके देखना, हार्ट बीट राज्जी की सुनाई देती है वांग्मय स्वरूप में, हृदय की धड़कन की आवाज सुनी है ना सुंदर साथ जी, कभी अपने बच्चे को एक गले से लगाया हो, उसके हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है, कान के पास नहीं होता वो, हृदय हृदय से मिला हो चाहे, पर उसके हृदय की धड़कन की वो पल्पिटेशन जो होती है ना, वो फील होती है। तो ये वांग्मय स्वरूप धनी का गले से लगा रहा है हमें, कभी सुन के देखिएगा कैसी आवाज करता है उनका हृदय, एक एक चौपाई के एक एक चरण में धड़कन है उनकी। कहते तू बैठती नहीं मेरे पास, कितनी मीठी धड़कन में, और हर एक के अंदर पर्सनली पर्सनलाइज्ड फेस टू फेस मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, वन ऑन वन, और मेरी एक एक धड़कन धड़कन पे तेरा नाम लिखा हुआ है, आपके अंदर बैठे हैं आपका ही नाम लिखा हुआ है, हर एक के अंदर मैं उस रूह का नाम लेके बैठा हूँ, हर समय उसको ही पुकारता हूँ, अब हर बांसुरी में केवल तेरा नाम होता है क्योंकि तेरे ही अंदर बैठा हूँ। वहां तो एक बांसुरी में सबके नाम बोले थे मैंने, अब तो तेरे ही अंदर बैठ के केवल तू क्या मेरी माला जपेगी, ब्रह्मवाणी की बांसुरी हर समय तेरी माला जपती है, हर समय तेरा नाम बोलती है, तू क्यों नहीं सुनती। वस्त्र भूखन पहराए के सेवा करो सब साथ, मोको धाम धनी ने। सुंदर साजी जब सेवा करनी है तो भाव कैसे होने चाहिए, इस चौपाई ने क्या बता दिया, मोको धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ। चर्चा चितवनी में जुड़े रहने वाले सभी सुंदर साथ को मैं वस्त्रों से सुसज्जित करूं, अच्छे अच्छे खाने खिलाऊं, आभूषणों से सुसज्जित करूं, मैं इनकी ऐसे टूट के सेवा करूं, क्यों, क्योंकि धाम धनी ने इनकी जागनी का दायित्व उत्तरदायित्व मेरे ऊपर सौंप दिया है, क्योंकि देवचंद्र जी उनको बता चुके हैं अब तेरे आगे तेरे से लीला होनी है। तो सेवा कैसे करनी है सुंदर साजी, धाम धनी ने जाके धनिए पकड़े हाथ, कभी फील होता है ऐसे मेरा हाथ पकड़ के पिया सेवा करने खींच कर ले गए हैं, उनके हाथ पकड़े बिना कोई जा नहीं सकता था, घर बैठे कोई सेवा आज भी कर ही नहीं सकता, इस जीव में इसे इतनी ताकत ही नहीं है, जब तक पिया जी हाथ ना पकड़े उनको, बस फील कर लीजिए एक बार अंदर, उस हाथ पे रखे हुए हाथ का आत्मा का हाथ होता है सुंदर साहब जी, जीव को इस शरीर के हाथ को नहीं फील होता, जीव को फील होता है ये कि कैसी मेहर अक्षरातीत मेरे ऊपर करते जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा से लग गया है ये उनको। कहते हैं जहां, कहते हैं ना सुंदर साहब जी, सपोज माता पिता, मैं तो माता पिता का उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पे, माता पिता के बच्चों के पड़ोसी भी कोई हो ना, उनसे भी माता पिता बड़ा प्यार करते हैं, जाके दूर देश में रहते हो ना अगर, कि मेरे बच्चों के पड़ोसी हैं ये, इनका ध्यान रखेंगे, जब कोई विपत्ति आएगी इनके काम आएंगे, उन पड़ोसियों को भी बड़ा प्यार करके आते हैं वो। तो ये जीव आत्मा के साथ लग गया है, इसको चुना है, उसको कितना प्रेम दे रहे हैं राजी। एक बहुत सुंदर चौपाई में आया था कि वो तो इस पंच भौतिक तन से भी कैसा रक्त मज्जा मांस से बना हुआ ये
कैसा ये तन है सुंदर साहब जी, चरकीन तन से भी कहते प्यार करने लग गया हूं, क्योंकि मेरी आत्मा इसके अंदर आके बैठ गई है। सोचो कितना प्रेम वो कर सकता है। तो जो सेवा कर रहे हैं ना सुंदर साहब जी, कभी अपने ऊपर नहीं लेना कि हम कोई सेवा कर सकते हैं। माया मिने बैठ के लाहा लेने, अब ये है लाहा लेने का, लाभ लेने का समय। थाम में जागे पीछे ये ना हो मेकअप। कोई भी सुंदर साथ सेवा में पीछे ना रहिएगा, और वो भी बिल्कुल जिसको मैं खुदी टच भी ना करे। हम मैं खुदी कहते हैं, स्वामी जी ने बड़ा सुंदर बताया, मैं भी वही होता है, खुदी भी वही होता है। मैं हिंदी में बोलते हैं, खुदी उर्दू फारसी में बोलते हैं, तो कहा तो मैं ही गया है एक्चुअली। जिसको टच भी ना कर जाए, ऐसे अभिमान से रहित, नम कर, नम्र होकर, नमन कर सेवा करना, झुक झुक कर जो सेवा करता है ना सुंदर साहब जी, उसका लाहा लेने का समय। नाउ इज द टाइम, प्रेजेंट में वो टाइम है, वो कभी नहीं मिलेगा फिर दोबारा। आगे पता नहीं ये शरीर कितना साथ देता है, आगे पता नहीं, राजी करेंगे सुंदर साहब जी, पर प्रेजेंट इज द टाइम। आज से कोई भी सेवा अपने हाथ में जरूर लीजिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और पर अंदर मंशा क्या होनी चाहिए, अंदर मंतव्य क्या होना चाहिए, सुंदर साथ को सुख देने का, उनको दुख देने का नहीं। कोई दुख भी दे रहा है ना सुंदर साथ जी, उसको भी प्रेम भरी भाषा लिखकर आनी है, उसके हृदय को भी चोट नहीं लगानी है, क्योंकि हमें क्या पता वो क्यों ही अभिनय कर रहा है, हम नहीं जानते उसकी मास्टर प्लानिंग को। सुंदर साथ जी, हम खेल देखने यहाँ पर आए हैं, सुंदर साथ की सेवा का सुनहरी अवसर नहीं खोना, क्योंकि हर सुंदर साथ के अंदर बैठे युगल स्वरूप मुस्कराते हैं। अपने अंदर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, अपने अंदर नहीं दिखाई दे रहे, आ जाएंगे धनी, जब क्षण लिखा होगा जरूर जरूर सामने आएंगे, पर सामने वाले के हृदय में शायद पहले दिखाई देने शुरू हो जाए। सुंदर साथ के हृदय में यदि हम उनकी बैठक को अपने अंदर ऐसा आत्मसात करें कि सुंदर साथ के अंदर बैठकर आप मुझे मिल रहे हो ना, आप प्यार करके तो देखो एक बार उनके अंगों से, ये वांग्मय स्वरूप में उनके अंग है ना सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ भी तो उनका अंग है। सामने खड़ा माया में जो जीता जागता दिखता है, यहाँ की चेतनता भी जिसमें दिख रही है, उससे प्यार करना। कहते कृष्ण जी सामने खड़े थे तो प्रेम करना आसान था, रास में सामने खड़े थे, ब्रिज में सामने खड़े थे, प्रेम आसान था। आज भी मुश्किल तो नहीं है, छुपकर जरूर बैठे हैं, पर सामने खड़े हैं सुंदर साथ के रूप में, सतगुरु के रूप में सामने खड़े हैं, प्रेम करना मुश्किल नहीं है सुंदर साहब जी, आड़ा डाल दिया है बस। इस पर्दे को उड़ाना आसान है, अंदर जो पर्दा है ना, धनी की मेहर से आसानियां भी वही पैदा करते हैं और उड़ा भी देते हैं सुंदर साहब जी, पर सेवा का ये अवसर नहीं छोड़ना। धाम में जागने के बाद ये अवसर नहीं मिलने वाला, वहां तो सारे एक स्वरूप है। तिस वास्ते इस बात की लूट होए करनी, वाह राजी, लूट लो सेवा को जहां से मिले। कैसे शब्द लिख दिए सुंदर साथ जी, वारी वारी ना हो जाए, बलिहारी ना जाए सुंदर साथ पे। तिस वास्ते इस बात की, क्योंकि वहां जाके नहीं मिलनी, लाहा यहीं लेना है, लूट होए करनी। कहते गवाना नहीं सुंदर साथ की ये सेवा का अवसर, लूट लीजिए इसको जहां से मिले। इनसे प्यार वाले शब्द देखो क्या सिखा रही हैं श्री बीतक साहब हमें। श्री मुखवाणी के बाद बोनस है ये सुंदर साथ जी, मेन श्री मुखवाणी और ये बोनस उस पे चलना सिखा रही है। क्या कहती, इनसे प्रीत कीजिए, धनी से प्रीत बहुत बार लिखी है, कहते इनसे प्रीत कीजिए। क्यों सुंदर साथ से क्यों प्रीत कीजिए, सगाई जान धाम, मूल संबंध पिया से तो है,
मूल संबंध इनसे नहीं है सुंदर साथ भी, सुंदर साथ से कौन सा संबंध है, वो भी तो मूल से ही है कि यहाँ आके बना है। कितने मेहरबान है वो, मूल संबंध सगाई जान के इनसे प्रीत करना। अगर ये प्रीत हृदय में नहीं आती सुंदर साथ जी, साथ के लिए नहीं आती, तो धनी के लिए कहां से आएगी। उनके अंगों से प्रेम नहीं कर रहे, सोचिए उनकी उंगली से कर नहीं रहे, उनके हाथ से कर नहीं रहे, उनके कि कैसे प्रेम कर रहे हैं हम राजी से। फिर कि धनी से तो प्रेम करते हैं, पर राजी आपका ये जो अंग है ना, ये सुंदर साथ है, ये इससे प्रेम नहीं कर रहे हम, ये वाला सुंदर साथ भी नहीं, या दीज सिलेक्टेड सुंदर साथ, इनसे हम प्रेम कर रहे हैं। आपका हृदय बहुत सुंदर है, आपके ये कंधे बहुत सुंदर है, आपका मुखारविंद बहुत सुंदर है, पर आपके घुटने नहीं है। ऐसा है सुंदर साथ भी नहीं ना, कहते हुए भी जीभ जल जाए, सुंदर नहीं है। सारा सुंदर साथ उनके हृदय से, उनके हृदय की इच्छा से सब कुछ कर रहा है। तो पिया के सारे अंग एक समान सुंदर हैं, बस ये समझने की बात है कि अभिनय कर रहे हैं, बस प्रेम कम नहीं होना चाहिए सुंदर साथ की। और आत्मा से प्रेम करना है, अगर मैं आत्मा हूं तो मेरी अपनी भी सामने आत्मा है, अगर मैं उनके वो देख पा रही हूं तो इसका मतलब मैं जीव हूं, इसका मतलब मैंने अभी जीव भाव कोई प्राप्त किया हुआ है। साफ साफ अपना चेक करना सिखा रहे हैं वो, बीतक के थ्रू दूसरों का नहीं सिखा रहे, कहते पहले अपना तो चेक कर लो, तुम दूसरों का क्या चेक करोगे, अपना लेवल देखिए। यदि दूसरों के अवगुण देख पा रहे हैं, आत्मा नहीं देख सकती, आत्मा इन गुणों अवगुणों से रहित है सुंदर साहब जी, उसकी नजर यदि खुली है, यदि ये जीवात्म भाव को प्राप्त हो गया है तो ये देख ही नहीं सकता, इसका मतलब जीव भाव अभी अभी बाकी है, इस पे काम करना है। ना कहिए हमारी जागनी हो चुकी है, ना कहूं मेरी जागनी हो चुकी है, यदि अभी भी ये अवगुण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा को नहीं दिखाई देते हैं। और स्पेशली सुंदर साथ के तो छोड़िए, सुंदर साथ जी उसको पत्थर में भी वो कठोरता दिखाई नहीं देती, सुंदर साथ तो बहुत ऊंची चीज है, उसको ब्रह्मांड के किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं देती। कोई कर भी रहे हैं तो हमें डोंट्स में नहीं आना है, हमें डूज में आना है सुंदर साथ जी। राजी चार्ट बना रहे हैं ये साथ साथ में, परम धाम में डिक्लेयर करेंगे जाके, मूल मिलावे में उठ के हम उनसे प्रेम तो बहुत करेंगे, वहां चार्ट भी लगाएंगे राजी, डूज और डोंट्स में किस किस का नाम है। हमारे पिछले तनों तन सारे डोंट्स में चले जा चुके हैं, अब ये अंतिम हो तन जो कि डू में चला जाए सुंदर साहब जी, इसका प्रयास अब हमें करना, इसमें नहीं नष्ट करना अपना, सेवा में लाहा लेना जितना हो सके, धनी की चितवन करनी है हर पल, पिया ही पिया अंदर चलते रहें ये कोशिश करनी है। सो सब जाहिर में करो मनोरथ सब, लाभ लेऊं माया मिने धाम में। अरे वाह, मैंने अभी तक साहब पढ़ी नहीं थी, आज कुछ और ही सेवा कल चल रही थी, समय नहीं मिल पाया। धाम में बातें होवे तब, सेवा करने की अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कहते हैं करो मनोरथ सब, सो सबे जाहिर में, ऐसा कार्यक्रम मुझे करना है मुझे माया में ये लाभ मिल जाए सेवा करने का। इंद्रावती की आत्म अक्षरातीत सुंदर साहब जी, जिनके अंदर बैठ के, बैठ चुके हैं अंदर, ये लीला उन्होंने शुरू कर भी दी हुई है, सामने नहीं आए बस अभी तक। सेवा चर्चा चितवनी का उनको सुख मिल जाए, धाम में कहते बातें होंगी इसकी, ये सारे डू एंड डोंट्स है ना, ये सारी बातें वहां जाके होने वाली है। बड़ा तेज पैनी नजर का कैमरा कितने पिक्सल्स कहेंगे आप इनको, इतना क्लियर कि आपकी सटल आपको नहीं पता होगा क्या पिक कर लिया उस कैमरा ने, आपने तो बोला भी नहीं, अभी सोचा भी नहीं, सोचने वाले थे वो भी, उस वो इतने पिक्सल्स का कैमरा है राजी के हृदय का।
वो भी कैप्चर कर लेता है, जो अभी सोचने वाले हैं, ये विचार अभी आने वाला आया नहीं है, वो उसको भी क्लिक कर लेता है। तो बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी से, बड़ी सावचेती से सुंदर साथ जी, विचार भी अगर दिल में आ रहा है, यदि मैं इस मायावी जगत में कहते सुंदर साथ की सेवा का लाभ मुझे मिल जाए ना, तो जागृत होने के बाद राजी किसके सम्मुख, राजी के सम्मुख सब सुंदर साथ में मेरी बातें होंगी, प्यारी बातें होंगी। ऐसे सेवा करनी है, ये नहीं सोचना कि करके कर दिया किसको पता लगा ही मुझे, और सेवा भी ये वाली दिखा दे हम, किसको पता लग जाए सबको, ना ना आपको पता ही नहीं ये कैमरा क्या क्या क्लिक करके चला गया। बहुत ध्यान से सावधान होकर सुंदर साथ जी, सेवा भी करनी है तो कैसे करनी है, ये आजमाइश साथ की, ये आजमा रहे हैं राज जी, ऐसा कैमरा है उनके हाथ में, खुद ही है वो, हायर नहीं करते हैं, वो खुद ही सब जगह पसरा हुआ है सुंदर साथ जी, और ब्रह्म आत्माएं आत्माओं की तो जीवन की एक घटना तो बहुत बड़ी होती है, एक पल का भी, एक पलक का भी करोड़वां हिस्सा उनकी नजर से दूर नहीं है। ए अजमाइश साथ की करत हक सुभान, कहते धाम धनी इस मायावी जगत में हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम कैसी भावना, कैसे भाव सुंदर साथ के प्रति और युगल स्वरूप के प्रति और उनकी सेवा के प्रति और उनके प्रेम के प्रति कैसे भाव हम रखते हैं, ये परीक्षा ले रहे हैं, ये कसौटी है सुंदर साथ की। मोमिन की माया मिने होत है पहचान, ये सारी कहते पहचान किसकी देने आए हैं, अपनी। कहते माया के संसार में ब्रह्म सृष्टि की क्या पहचान है, प्रेम और सेवा में कभी पीछे नहीं होगी, सेवा होगी तो प्रेम से होगी, प्रेम होगा तो शुष्क हृदय से नहीं, इतने प्रेममयी प्रेम होता है ना कोई सुंदर साजी, वैसा प्रेम वो करेगी, ना केवल राजी से बल्कि उनसे जुड़े हुए एक एक अंग से इतना प्यार करेगी, एक एक आभूषण, एक एक नग से, वो सुंदर साथ ही तो नग है सुंदर साथ जी, उन आभूषणों के सबसे बहुत प्रेम करेगी। ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने, रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने, कहते ऐसी सेवा की भावना लेकर, ये दिल में भाव और प्रेम लेकर उन्होंने सेवा करने लगे, महान कार्य, ये सेवा महान है। छोटी से आपको लगे ये तो कितनी छोटी सेवा है, नहीं नहीं राज जी कहते हैं उसमें अगर आपने प्रेम भर दिया, उसमें अगर आपने सेवा भावना जो है ना वो इतनी भर दी, तो वो सेवा छोटी नहीं रही सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी सेवा बन गई, क्योंकि राज जी के कैमरा ने उसको जूम करके क्लिक कर लिया है, क्योंकि प्रेम को बड़ी जल्दी, वो होता है ना एक एक यंत्र होता है ना सुंदर साथ जी, आजकल कैमरा में भी आ गया, रेड करके दिखा देता है वो, हम जिसको फोकस करने की को, वो फोकस है ना कैमरा का, प्रेम पे सेट किया हुआ है राज जी ने, जहां इतनी सी सेवा हो आपको लगे बड़ी छोटी है, प्रेम उसमें बहुत बड़ा है ना, वो कैमरा अट्रैक्ट हो जाता है, फटाफट उसको क्लिक कर लेता है, क्योंकि उसको जितना बड़ा प्रेम उतना जूम करके उसको क्लिक करेगा वो, उतना प्रेम भी आएगा फिर उधर से, वो कैमरा जो है वो धनी के दिल से उतना ही प्रेम भी प्रवाहित करता है, वो तो बिना हमारे किए ही दिए जा रहे हैं, सोचो जरा सा भाव ऐसा दिल में आ जाए, कहते एक क्षण पूरे दिन में, पूरे जीवन में तेरे अगर एक क्षण ऐसा आ जाए ना जिसमें केवल मैं हूं, और तू एक बार अपने हृदय की उस पुकार में पिया कह के देख कि होता क्या है, परम हंसों से पूछ कि होता क्या है, एक क्षण सुंदर साज, एक पल वो होता जाता है, फिर बस होता ही जाता है, ऐसे ही सुंदर साथ घर छोड़ के नहीं आ जाया करते,
धन्य है वो सुंदर सार जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कैसी उनके हृदय को कोई बात लगी होगी कि स्वामी जी की, उन्होंने स्वामी जी को कभी देखा नहीं हुआ था, सुना नहीं हुआ था, ये टीका के माध्यम से उनको पहचान हो गई और हम इतना पढ़ के उनकी पहचान नहीं कर पा रहे सुंदर साहब जी। अपने दिल में ऐसा मान के सेवा करने लगे, रखा अपने पास ही परम धाम की जान, धाम सगाई अपने, धाम का संबंध मूल संबंध जानकर एक सुंदर साथ को अपने पास ही रख लिया इस सेवा को संभालने के लिए कि आप इकट्ठे करते जाना, लाते जाना, मैं इधर जॉब करके लाता जाऊंगा सामान, आप उसका हिसाब किताब रखते जाना। बाकी सुंदर साथ जी आगे कल सुनेंगे, पर ये सुन सुन के, केवल सुनकर इसको भूलना नहीं है, ये अभी तक भूलने के लिए नहीं है सुंदर साहब जी। जो इसमें बताया गया हमारी रहनी को साथ साथ एवरी डे इस मल्टी वाइटमिन जो है ना, हमारी आत्मा का जो मल्टी वाइटमिन है ना, इसको अंदर रोज रोज उतार कर उसका असर होना चाहिए सुंदर साहब जी, मजबूती आनी चाहिए अंदर। ये जीव को बल प्रदान करती है रहनी, उसके बाद आत्मा कैसे मुड़ती है, धनी आप जानो क्या होता है, ये भी वही कर रहे हैं, पर अंदर बल रखना, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अरे ब्रह्मवाणी से जुड़े हुए हैं हम, उसमें कभी भी डिगना नहीं है। मैं सुंदर साहब जी इतनी कमजोर थी, इतना माया में, इतना एक सेकंड में रो दिया करती थी, अब माया के लिए आंसू ही नहीं आता, आता ही नहीं है, दिल नहीं करता रोने का, यू आर नॉट वर्थ। ये आंसू उसके लिए निकले जो वर्थ हो सुंदर साहब जी, माया की औकात नहीं है जिसके लिए ये बहाया जाए, जिसके लिए इतना समय दिया जाए, बस करना है, यंत्रवत करना है, क्योंकि फर्ज है ऐसे करना, मरना नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, इसको तो चर्चा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ स्वामी जी का टीका, सिर्फ उनका आधार है, जो दो शब्द कभी हृदय से कुछ निकल जाते होंगे ये उनका आशीर्वाद है, तो इस ये मंथन ही है जो अंदर ही अंदर सब सुंदर साथ के चला करता है। तो ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में कोटान को प्रणाम जी। आइए अब हम सुंदर साथ जी मिलकर बहुत सुंदर अर्जी सुनैना जी, प्रणाम जी, सुनैना भाभी प्रणाम जी। हाँ जी आप शुरू कर सकते हैं, अनम्यूट हो गए। हाँ अनम्यूट हो गए, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आपका कैमरा दूसरी तरफ सेट हो गया शायद, पता नहीं अब नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। हाँ जी वो उल्टी, अभी अभी सही है, आपकी तरफ ही है। हाँ जी ठीक है। नाम सुंदर साहब जी, सुंदर साहब जी पहले तो मैं जो एक दिन वहां लगा के आई हूँ उससे जो आनंद लेके आई हूँ, तो राजी महाराज के सामने यही अर्जी करती हूँ कि स्वामी जी जो लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं हम सब उनका साथ दें, ये अर्जी सबसे बड़ी है। तो अब राजी महाराज के सामने अर्जी पेश करती हूँ। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना इनसे कहूं, पिया तुम हो मेरी आस जी,
आस वीरानी तो करूं जो कोई दूसरा होएगी, सब विध पिया जी साम रत दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म जो मैं होती सो देखूनी के काई, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजारे जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीने जी, खिन खिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हाने जी। एती अरज मैं तो करूं जो बीच पड़ी अंतराए जी, सो अंतराए आड़ी ताले की दुल्हाली के कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती जुगल किशोर पर वारी अंगना बले बले जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बले बले जात जी, वारी अंगना बले बले जात जी। प्रणाम सुंदर जी, बोलो श्री प्राणनाथ वे प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी बहुत सुंदर, बहुत मीठी अर्जी, मैं मिस कर रही थी। बहुत बार जालंधर में सुना करते थे राज जी की बहुत मेहर, जो प्यारे प्यारे मीठे मीठे सुंदर साथ आकर अपने भावों में, अर्जी सारे वही बोलते हैं सुंदर साथ जी, शब्द वही हैं पर कैसे भावों में पिरोकर वो वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं, अति सुंदर। कभी मीठा तो एक ही होता है, बर्फी भी होती है, गुलाब जामुन भी होता है, रसगुल्ला भी होता है, पर कैसी कैसी मिठास अलग अलग प्रकार की सुंदर साथ लेकर आते हैं। धनी के प्रेम में भीने हुए आपके चरणों में कुटान को प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।